अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शाहिद अफरीदी वर्सेज इमरान खान, यही इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और उसमें सोशल मीडिया के जो गाजी हैं वो बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उन्हीं गाजियों में एक नाम साबिक जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के एक और गाजी थे इमरान रियाज खान, उनका नाम भी है। प्रॉब्लम ये है कि शाहिद अफरीदी और इमरान खान दोनों ही हैंडसम हैं, दोनों ही साबिक कप्तान हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है उन्हें बड़ी परेशानी हो गई है कि कहीं शाहिद अफरीदी इमरान खान साहब का मुतबादिल ना बन जाए, क्योंकि राजनीति मुल्क चलाना या ऐसी कोई सलाहियत तो माशाल्लाह से इमरान खान साहब में थी नहीं। उनमें तो सलाहियत सिर्फ ये थी, खासतौर पर मुझे याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले एक किसी भी चीज में आप लाजवाब हो जाते थे तो एक ही आर्ग्यूमेंट होता था कि हैंडसम तो है। तो ये इमरान खान साहब की हैंडसमनेस, उनकी खूबसूरती माशाल्लाह, वैसे तो अब इस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन बहरहाल जिन लोगों को खूबसूरती नजर आती है उनकी नजर में इमरान खान साहब बड़े ही हैंडसम आदमी हैं। तो अब उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं शाहिद अफरीदी इमरान खान साहब के मुतबादिल ना बन जाए। इस पर एक टोटल सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई शाहिद अफरीदी के खिलाफ और जब शाहिद अफरीदी ने उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश की तो उस पर बात शुरू कर दी गई कि जी देखें जी सोशल मीडिया का प्रेशर आया ना, लग पता गया। मेरा ख्याल है लग पता गया होगा अब तक जो ये अफरीदी साहब के, शाहिद अफरीदी साहब के जो दामाद हैं शाहीन शाह अफरीदी, और वो भी एक बहुत बड़े फैन बॉय हैं बेसिकली इमरान खान साहब के, तो मेरा ख्याल है उनको भी मजा आ गया होगा क्योंकि उनकी बीवी और शाहिद अफरीदी की बाकी बेटियों के बारे में भी जिस किस्म की बातें की गई हैं पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की तरफ से। और ये बेसिकली अपने आप को एक, जिस तरह इस मुल्क में और बहुत सारे माफिया रहे हैं, शुगर माफिया, वकला माफिया, लैंड माफिया और बेशुमार माफिया, इसी तरह अब बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑनलाइन ये सोशल मीडिया ब्रिगेड है ये भी एक माफिया का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। और ये समझते हैं जिस तरह एक जमाने में जंग और जियो ग्रुप को ये गलत फहमी थी कि जी हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, इसी तरह इनका भी ये ख्याल है कि शायद इनके कहने पर और इनकी मर्जी से अब मुल्क की तकदीर के फैसले होंगे। यही कुछ सोचकर इमरान रियाज खान साहब भी बाहर तशरीफ लाए थे कि शायद वो रिप्लेस कर लेंगे इमरान खान को, लेकिन उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत बुरी तरह बैकफायर कर गई, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई और ऑब्वियसली उनका वो लेवल था ही नहीं। शाहिद अफरीदी से जो बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि खानदानी आदमी है, बेटी जितनी भी बेटियां उनकी खुद ही परवरिश कर रहा है, ये नहीं किया कि जिस तरह हमारे मुआशरे में बहुत सारी और मिसालें भी मौजूद हैं। और ये सिर्फ खाते पीते नहीं, ये तो जिन घरों में खाने को रोटी भी नहीं है ना, इवन वैसे भी पेशेंट आते हैं कि जी वो बेटे के लिए हमने दूसरी शादी कर ली, तो इस तरह की मसाले भी माशाल्लाह इस मुल्क में मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी तो एक बहुत ही ज्यादा मिसाली किस्म का शख्स है कि जितने उसकी 5 के 6 बेटियां उनकी खुद ही परवरिश कर रहा है, उनकी शादियां भी कर चुका है और अपना काम भी खुद ही करता है, किसी से मांगता भी नहीं है, मतलब इस किस्म की कोई चीज भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर आ रहा है कि इमरान खान साहब के अंदर होने से जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की वो बड़ी बेचारी परेशानी का शिकार है कि क्या करें। ये पता क्या होता है कि जब जिस तरह एक बचपन में हम एक ड्रामा देखा करते थे जिसमें ज़कूता जिन होता था, तो वो जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तो वो कहता था मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये बेसिकली जो टीम है ना उसके ये वो काम हो गया। अब इलेक्शंस तो हो गए हैं, अब 4-5 साल से पहले इलेक्शंस तो होने नहीं, अब उनके पास काम कोई नहीं। जिस तरह वो एक डिस्ट्रक्शन करने वाला बच्चा होता है ना किसी घर में, तकरीबी सरगर्मियां जिसकी हॉबी होती हैं चीजों को तोड़ना खोल कर देखना, तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की भी वही मिसाल है। इनको जब कोई इशू मिलता नहीं है ना तो ये क्रिएट कर देते हैं। यानी बात ट्रेंड कहां से शुरू हुआ था कि शाहिद अफरीदी की एक फेक तस्वीर लगा के शुरू किया गया कि 9 मई के वाकयात में ना कप्तान को छोड़ो ना उसकी टीम को छोड़ो, जबकि ये बात शाहिद अफरीदी ने की नहीं थी, बस पड़ गए उसको। क्योंकि अब बात यह है कि काम कोई नहीं था, काम कोई नहीं था तो अब कुछ ना कुछ तो जाहिर करना है टाइम पास करने के लिए और अपनी कारकर्दगी अलीमा खान साहिबा को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना है, तो शाहिद अफरीदी के पीछे पड़ जाओ। और अब शाहिद अफरीदी के हक में जब शेर अफजल मरवत ने बात कर दी, उसने कहा, हालांकि शेर अफजल मरवत को तो बहुत इनसिक्योर हो जाना चाहिए कि यार मैं पीटीआई का इस वक्त लाइमलाइट में मैं स्टार किड, तो कहीं ये मेरे से सारी अटेंशन ना साइड पे चली जाए, लेकिन उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसने कहा कि शाहिद अफरीदी हमारे नेशनल हीरो हैं और हमें ऐसी अली मोहम्मद खान ने भी बल्कि यही बात की कि ये हमारे हीरो हैं और हमें इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। और पता उन दोनों को भी था कि ये सारी फेक बेसिकली न्यूज है और जब तक आप ये इस तरह लोगों को बदनाम करने पर सजाएं एक दफा नहीं देते तब तक ये काम इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को कोई डर खौफ नहीं है। एक कानून जब आने लगा था तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने
हामिद मीर के कहने पर उस कानून बेचारे का बेड़ा गर्क कर दिया और वो कानून नहीं आ सका आज की तारीख तक। अगर ये चीज उस टाइम हो गई होती तो यकीनन ये मामला यहां तक खराब ना होते। तो ये अब उसको आगे से आगे चलाया जा रहा है। एक और खबर के ऊपर मैं बात करना चाहती हूं, और शायद आप अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हों तो हमेशा यही बात करती हूं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हक में, खासतौर पर यह सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है, यानी कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान, यानी ये लोग आपस में मिल जाएंगे या इनकी पार्टियों के दूसरे तीसरे नंबर के लोग भी आपस में मिल रहे होंगे, लेकिन लोग खान का इनके पीछे लड़ी जा रहे हैं बगैर किसी वजह के। इसकी मिसाल क्या देने लगी हूं, अलीम खान साहब की एक हाउसिंग सोसाइटी, बेसिकली उस सोसाइटी के पास पहले माशाल्लाह काफी रकबा है लाहौर में पार्किंग, अब उसको मजीद 11,000 केनाल उनको दे दी गई है और अब टोटल जो उनके पास जगह है वो 31,000 केनाल हो चुकी है। और ये RUDA रुदा की तरफ से दिया गया है, ये जो लाहौर की अर्बन डेवलपमेंट की सोसाइटी है उसकी तरफ से बेसिकली ये उनको दी गई है, NOC उसके लिए जारी कर दिया। और इसी से ताल्लुक जोड़ा जाता रहा था माजी में खदीजा शाह की फैमिली का, उनके वालिद साहब का, उसके वजीर भी हो रहे। तो ये यानी वो PTI के थे, ये अब जी वो इसे काम में है, और पहले ये नून लीग के पास रहे अलीम खान साहब। ये बेसिकली में रूलिंग एलीट एक ही होती है, ये आपस में खानदान दर खानदान जुड़े होते हैं, बाप के होता है भाई के, मतलब कहीं इस तरह होता है, और लोग इनके पीछे खाम का आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, यानी उसका क्या फायदा है। यही बात खासतौर पर नौजवान असल को खासतौर पर यही पोलराइजेशन से बचने का हमेशा अपने ब्लॉग्स में पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के पीछे के जी इमरान खान आएगा तो ये हो जाएगा या मियां जदों आवेगा तो लग पता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के मसायल जिस कदर कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, देर इज अ नीड ऑफ नेशनल डायलॉग, देर इज अ नीड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, ये सब चीजें आपस में बैठे बगैर ये मामला हल नहीं होंगे। लेकिन हमारा लीडर तो इमरान खान है, और इमरान खान साहब का कहना है कि आपस में मिल बैठने का मतलब मुख मुख है, तो इसलिए काम चली जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।